हनुमान टेकरी का रूम है जहाँ हम लोग रहते हैं, और इस रूम में 7 बेड लगे हुए हैं और पेशेंट के साथ, पेशेंट अगर 2 हैं तो उनके साथ अगर एडजस्ट हो सकते हैं तो अपना बेड पर सो सकते हैं, नहीं तो जिनके जो 2 लोग एक साथ नहीं सो सकते हैं तो उसमें 2 बेड के बीच में गैप है, उसमें अपना चटाई पर सो सकते हैं। तो इस तरह से ये रूम है, मिला हुआ है, जिसको डोरमेट्री टाइप का इसको बोलते हैं रूम। और इस तरह से इस रूम में सब लोग अपना सामान व्यवस्थित किए हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत तो है क्योंकि जगह की कमी है, और इस तरह से एक तरफ 3 बेड हैं और फिर उसके बाद इस तरह से बेड लगे हुए हैं। ये मेरा बेड है, ये अभी हम लोग हॉस्पिटल जाने की तैयारी में हैं और सभी लोग यहाँ पर गाड़ी की भी व्यवस्था है, 2 गाड़ियाँ हैं जिससे कि आसानी से लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जिसमें पेशेंट का नहीं लगता है, केवल अटेंडेंट का भाड़ा लगता है, वही 10 या 20 रुपये है। उसके बाद खाना की व्यवस्था भी है इसमें यहाँ पे, जिसमें कि सुबह का नाश्ता फ्री है और रात का खाना फ्री है। पेशेंट को रात में दूध भी मिलता है और वो दूध 1 गिलास के आसपास बड़े गिलास से रहता है। आजकल कोरोना की वजह से इसमें हल्दी वगैरह भी डाल कर देते हैं। और रात का खाना फ्री है दोनों के लिए, पेशेंट के लिए, अटेंडेंट के लिए भी। और दोपहर के खाने में मात्र 10 रुपया लगता है, जिससे कि पेशेंट के लिए बहुत सहूलियत हो जाता है। इलाज में बहुत खर्च लगता है, जिसके कारण यहाँ पे कम खर्च में रहने की सुविधा मिल जाती है, इसलिए पेशेंट के लिए काफ़ी आसानी होता है। अभी सभी लोग हॉस्पिटल की तैयारी में हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं। और इस तरह से ये है, रूम की व्यवस्था है, किचन तो है यहाँ पे, और दोपहर के खाने का केवल 10-10 रुपये चार्ज लगता है, जिसका टोकन रात में ही कटवाना पड़ता है, नहीं तो फिर दिन में जो है उसमें कुछ चार्ज बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था की गई है। और ये एक रूम का है, और रूम भी है इनके पास, जिसमें कि 450 रुपये वाला रूम है, जिसमें कि लैट्रिन बाथरूम अटैच है। 250 वाला भी है जिसमें कि लैट्रिन बाथरूम अटैच नहीं है। काफ़ी सुविधा है, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, जैसा ही नाम है उसके अनुसार यहाँ का दृश्य भी है। और यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, मन लगता है, वातावरण यहाँ का अच्छा है ऊंचाई पर होने के कारण। इसको कर देना।